हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आज के हम इस लेक्चर के अंदर फोर्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्स किसे कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज फोर्स। यानी कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपनी बॉडी का जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो स्टेशनरी से मोशन के अंदर आ जाएगी। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर है यानी कि मूविंग बॉडी है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी मोशन चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं या उसकी वेलोसिटी को घटा सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फुटबॉल है। अभी ये स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर है, ये मूव नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये बॉडी मोशन के अंदर आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर है जैसा कि हमको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी, चलिए देखते हैं। देखिए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होते उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी कि उसको एक्सेलरेशन मिला और वो बॉडी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव होने लगी। अब चलते हैं फोर्स के डेफिनेशन के बाद इसको इसके यूनिट के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फोर्स के यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। हम अलग अलग यूनिट सिस्टम के अंदर फोर्स के अलग अलग यूनिट को यूज कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई सिस्टम में हम जो फोर्स का यूनिट यूज करते हैं वो है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं डाइन। तो देखते हैं कि ये यूनिट किस तरह डिफाइन हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला हम सबके पास है, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहां पर देखे तो एम है हमारा बॉडी का मास और ए है बॉडी का एक्सिलरेशन। मास का यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर होता है किलोग्राम, और एक्सिलरेशन को हम यूज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट के साथ। तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे यूनिट बनेगा न्यूटन। यानी कि एक न्यूटन होगा एक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब हम चलते हैं सीजीएस यूनिट की तरफ, यानी कि डाइन किस तरह डिफाइन होता है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर मास का यूनिट होगा ग्राम और एक्सीलरेशन का यूनिट बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमारा डाइन बनेगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन से। यानी कि अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो वन न्यूटन इज इक्वल टू वन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वन डाइन इज इक्वल टू वन ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि फोर्स की फंडामेंटल टाइप्स कौन सी होती है। तो बेसिकली फोर्स की दो टाइप्स है, एक है कॉन्टेक्ट फोर्स और सेकंड है फील्ड फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, ऐसे फोर्स जबकि दो बॉडी एक दूसरे का कॉन्टेक्ट में होती है और उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। और फील्ड फोर्स क्या होता है कि फील्ड फोर्स लगने के लिए बॉडी का कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर नंबर वन आएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आप सबने सुना होगा कि भाई जब भी हम किसी दो बॉडी का कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल हम सबके सामने है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के टायर और रोड की सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स किसे कहते हैं, किसी भी चीज को अगर मैं पुल करता हूँ, किसी भी चीज को मैं खींच रहा हूँ तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आएगा एयर रेजिस्टेंस। जब हम किसी भी जगह के ऊपर एक वेलोसिटी के साथ मोशन करते हैं, यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप बाइक लेकर किसी रोड के ऊपर स्पीड में निकल रहे हैं तो आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, चाहे वो कार हो या ऑटो रिक्शा हो या बाइक हो, उसका आगे का जो हेड होता है उसे कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है, यानी कि वो एरोडायनामिकली डिजाइन जो एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि आप सबने स्प्रिंग को देखा होगा कि मैं आप सबने स्प्रिंग को देखा होगा जब मैं स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई करूंगा यानी कि उसको पुश करूंगा तो स्प्रिंग के अंदर एक जर्क आएगा,
इसे हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फील्ड फोर्स के बारे में कि फील्ड फोर्स कौन से होते हैं। उसमें नंबर वन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि स्पेस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर किसी भी दो बॉडी अगर वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, अगर किस कितनी भी दूरी के ऊपर होगी तो उसके बारे में नेक्स्ट में बात कर। फील्ड फोर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। स्पेस के अंदर किसी भी दो बॉडी अगर वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, फिर भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो मोशन में नहीं है, अगर वो स्टेडी यानी कि स्टेशनरी पोजिशन में है, तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होते हैं यानी कि मूव हो रहे होते हैं तो उनके अंदर एक मैग्नेटिज्म पैदा होता है। इस मैग्नेटिज्म से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, हम सब जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड कर देती है, यानी कि इनका बॉन्डिंग फोर्स है। नेक्स्ट आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, तो ये होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक क्विज और असाइनमेंट की लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर सबमिट कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर जरूर पोस्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।